राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्द धार 42। आज का विषय है उनको नहीं उपदेश हमारा। सो ग्रंथों और पोथियों में लिखे नामों से किसी का भला नहीं हो सकता और ना ही अंतर के पट खुल सकते हैं। सच्चे नाम का पता तो साध के संग से ही लग सकता है, पर यह वचन उन्हीं के लिए है जो सच्चे खोजी और जिज्ञासु हैं, जिनकी वृत्ति संसार में लगी है। उन्हें यह वचन ना सुहाएगा और ना ही उनके लिए संतों का उपदेश है। संसार के सभी बंधनों की जड़ अहंकार में छुपी होती है। जीव मैं और मेरा के फेर से कभी खुद को अलग नहीं कर पाता। जैसे माला में सुमेर होता है, तो जब सुमेर को पकड़ लिया तो माला के सभी दाने पकड़ में आ जाते हैं। फिर यदि माला की डोरी खींच लो तो सब दाने छूट जाते हैं। ऐसे ही जब सद्गुरु डोर खींचते हैं, तब जगत के सब बंधन ढीले पड़ जाते हैं और मन के सभी विकार छूट जाते हैं। तो जिन पर सद्गुरु की कृपा मेहर की दृष्टि है, उन्होंने तो संसार की हर जड़ काट दी है और संसार के सभी भोगों और वासनाओं से छूटकर केवल सद्गुरु वक्त से अपना नाता जोड़ लिया है। सो देखा जाए तो उन्हीं की नरदेही व मनुष्य जन्म सुफल है और जिनकी यह गति नहीं है, उन्हें नरदेही मिल भी गई तो क्या हुआ? भीतर से मन तो उनका पशु के समान ही है। यह बात भी एक सत्संगी ही समझ सकता है। दुनियादार तो बजाय इस बात को मानने के बस बहस और झगड़ा ही करेंगे। फिर संसार और संसारियों पर चाहे कितनी भी बात कर लो, पर हकीकत यही है कि कोई विरला ही स्वामी निर्लोभी होगा और कोई विरला सेवक ही निर्लोभी मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि अपनी खुद की मनोवृत्ति की परख होती रहे और जीवन में मलिनता ना बढ़ने पाए। जीव को चाहिए कि सद्गुरु की सेवा और अंतर में शब्द की कमाई करके भीतर की होमे रूपी मैल को दूर करता रहे। होमे कहने से भाव
खुद के होने के एहसास और अपने वजूद से है। ये जो सेल्फ कॉन्शियस लोग होते हैं ना, आत्मविभोर, अपने व्यक्तित्व का बड़ा ध्यान रखने वाले, यही अहम भाव का धरातल है। इसी ज़मीन से अहम भाव और फिर अहंकार पैदा होता है। तो जब ये होमे रूपी मैल दूर होगी, तभी कुल मालिक राजी होगा। कहने का अर्थ यह है कि अहंकार की जड़ तो काटनी ही पड़ेगी और दीनता हासिल करनी होगी। मालिक तो दीन दयाल है। सो जब जीव दीन हुआ, तभी मालिक निज दयाल हुआ और तभी जीव का काज पूरा हुआ। पर संसारी वृत्ति में रहकर दीनता का आ पाना मुश्किल ही है। जब जीव संसार में दीनता का वर्ताव कर पाता है, तब यही साध गति है। और ऐसा साध संगत और सत्संग से ही संभव है। सो जो अपने वक्त के सद्गुरु के हुक्म के अनुसार कर्म और उपासना करेगा, उसे तो ज़रूर कुछ हासिल हो सकता है। पर जो शास्त्रियों और पंडितों के बहकावे में आकर वेद पुराण के कर्म और कांड करेगा, उसकी तो सूरत का बिगाड़ होना निश्चित ही है। यानी चार खान में जन्म मरण और 84 से छुटकारा ना होगा। इसीलिए कहा, उनको नहीं उपदेश हमारा, जिनको जगत कामना मारा। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।